Good morning students, how are you? I hope you are fine and enjoy the study. बेटे आप लोगों को जितनी भी मैंने पार्टनरशिप डीड की पीछे वीडियोस दी हैं उनमें आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि पार्टनरशिप होती क्या है. उसके थियोरटिकल पोर्शन सारे मैंने क्लियर करवा दिए थे. उसके बाद मैंने आपको प्रैक्टिकल का प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन करवाया और फॉर्मेट करवाया कैपिटल अकाउंट के. आज उन्हीं में से एक सब टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हम इस वीडियो में कवर करेंगे. अगर आप लोग फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो प्लीज प्रीवियस वीडियो को देखिए, जिसका लिंक इस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा. और जो आगे कंटिन्यू कर रहे हैं उनको समझ में आएगा कि डिफरेंट सिचुएशन में हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे काउंट करते हैं. तो इस टॉपिक में देखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करना है. तो बेटा सबसे पहला जो मेन आपने याद रखनी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपकी ओपनिंग अमाउंट पे लगती है. और कैपिटल क्या होती है कि जो एक ऑनर अपनी बिजनेस में या अपनी पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करता है. तो कैसे निकालेंगे, अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज योर ओपनिंग बैलेंस इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय 100. बट यहां पर मैं आपको मंथ मेंशन नहीं कर रही हूं. अगर आप लोगों ने पूरे साल उसको यूज किया है तो 12 × 12 होता है मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहां से हमने नंबर ऑफ मंथ या मंथ कितने यूज किया है. तो आपका फाइनेंशियल ईयर 12 महीनों का होता है तो उसको इसीलिए करते हैं. अगर आपने कैपिटल को इंट्रोड्यूस स्टार्टिंग में ही किया है और पूरे साल उसको यूज किया है, अगर इन केस नेक्स्ट है इन केस इफ कैपिटल इज इंट्रोड्यूस बिटवीन द फाइनेंशियल ईयर और विड्रॉल ऑफ द कैपिटल, आपने उसको विड्रॉल किया है बीच में से या आप लोगों ने कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया है. तो यहां पर देखिए अमाउंट यूज्ड एज कैपिटल, इसका एग्जांपल से लेंगे लेकिन ध्यान रखिए अमाउंट यूज्ड एज कैपिटल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना फॉर्म प्रोवाइड करती है, कितना डीड में मेंशन है, डिवाइडेड बाय 100 क्योंकि यहां पर ये परसेंटेज होता है. फिर है नंबर ऑफ मंथ, उस पार्टिकुलर कैपिटल को आपने कितने मंथ के लिए यूज किया डिवाइडेड बाय 12, याद रहेगा. अब एग्जांपल से समझेंगे इस केस को कि सपोज ए ने कैपिटल इन्वेस्ट की अपने बिजनेस में ₹5 लाख, ठीक है, यानी कि 5 लाख उसने अपने बिजनेस में लगा दी तो ये उसकी ओपनिंग बैलेंस हो गया कैपिटल का. रेट ऑफ इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम गिवन है, ये आपको अगर गिवन है ठीक है. तो कैसे निकालेंगे, 5 लाख × 6/100 इंटू पूरे साल यूज किए, 12/12 करेंगे तो वही 1 आ जाएगा, इसीलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 30,000, यानी कि पूरे साल में आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 आई, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में. पहली केस आपको समझ में आ गई. ध्यान रखना अगर पार्टनरशिप डीड में, ये भी बात ध्यान रखना कि पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है और किस रेट से देना है, उसी रेट से आपको उस पर प्रोवाइड करना है. अगर इफ डीड इज साइलेंट, यानी कि उसने कुछ भी नहीं कहा अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इफ डीड इज साइलेंट अबाउट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन नो इंटरेस्ट शुड बी प्रोवाइडेड, कोई भी इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा. सेकेंड केस इफ फर्म अर्न लॉसेस, अगर किसी समय में फर्म को लॉस होते हैं और डीड भी साइलेंट है या डीड साइलेंट नहीं है लेकिन लॉस है, देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. समझ में आ गई आपको. इफ द फर्म मेंशन clearly that in case of loss, in case of loss you have to provide interest on capital, अगर फर्म को लॉस होता है और उसमें पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन किया हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, then it should be provided, यानी कि वो उसी फॉर्मूले से लगा के उसको कैलकुलेट कर लेंगे, प्रोवाइड करेंगे और उतना ही लॉस पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, यानी कि
एक बार उसको दिखाएंगे कि इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बना है, जिस रेशो में है वो बांट देंगे, और जितना वो लॉस होगा उतना ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। फोर्थ केस में, इफ द प्रॉफिट, यानी कि जो प्रॉफिट है दैट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू बी गिवेन टू द पार्टनर्स। बट इसको एक बार हम, तो जो इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ना, इंटरेस्ट जो है उसको कैसे एडजस्ट करना है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए ने इंट्रोड्यूस की 5 लाख से कैपिटल को और बी ने इंट्रोड्यूस की 4 लाख से, ठीक है। अब हमने एट द रेट 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो ए का बन गया 30,000 और बी का बन गया 24,000, ठीक है। 5 लाख और 4 लाख इंट्रोड्यूस की और इनका इंटरेस्ट 30,000 और 24,000 बन गया। सपोज करो जो प्रॉफिट है वो सिर्फ आपको ₹50,000 ही हुआ है। कितना हुआ है, जो कि आपने पार्टनर्स को देना है, 50,000 का ही प्रॉफिट है। तो इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, देन वी, अब हमने इंटरेस्ट हो गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोर देन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यानी कि ये हो गया आपका 30 और 24 54,000, यही हुआ ना, और अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज 50,000। अब हमारे पास एक्सेस अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तो है नहीं, तो हम इस 50,000 को जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है उसकी रेशो में बांटेंगे। रेशो कैसे निकालेंगे, 30,000 और 24,000, यहाँ से 3 जीरो, ये क्या 10, ये हो गया 8 5 4, यानी रेशो कितनी बनी आपकी 5 4। 30 और 24 की रेशो बना ली, 5 और 4 हो गए टोटल। अब हमारे पास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, 50,000। 50,000 है तो इसको 5/9 रेशो निकाल दी, 9 से काटा इसको, देखो बेटे पॉइंट्स में आ गया जो है, क्योंकि हमने जो अमाउंट फिगर ली है वो पूरा राउंड ऑफ नहीं है, तो भी इसका फॉर्मूला यही रहना है। तो काटने के बाद आया 5555, यानी कि 5555.55। इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27778, 27,778 रुपये। ये किसका इंटरेस्ट बन गया, ए का। और फिर उसके बाद 50,000 को 9 से काटा और 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया इंटरेस्ट बी का। यानी कि इसको पूरे 30,000 नहीं दिए जाएंगे, इसको 27,778 और जो इसके 24,000 बने थे इसको दिए जाएंगे 22,222। तो टोटल हो गया 50,000। तो यानी कि अगर हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में शो करते हैं तो कैसे शो करेंगे, यहाँ से हमने इसको अकाउंट बनाया, यहाँ पर लिखा बाय नेट प्रॉफिट, आपको पता ही है जो कि हमने ट्रांसफर किया 50,000। यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, बी ए की आई 27,778, बी की 22,222, टोटल हो गई 50,000। अब हमारे पास कोई नहीं है तो एक बार इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को बच्चे रिकॉल कर लेते हैं, यही मेथड है और यही सब चीज़ें हैं, ठीक है। एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब मैंने कहा था कि ओपनिंग कैपिटल पे बनानी है तो आपने ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला लगाना है, वो अभी मैं बता देती हूँ कैसे लगाना है। फिर ओपनिंग अमाउंट पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे, जितनी आएगी वो आपकी कैपिटल होगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया 5 लाख का, ए ने इंट्रोड्यूस की थी 30,000, अगर डीड ने कुछ नहीं कहा तो आपने साइलेंट रहना है। इन केस ऑफ लॉस देर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर फर्म ने क्लियरली मेंशन किया है कि लॉस में भी देना है तो वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और उतना ही लॉस उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर मान लो प्रॉफिट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज़्यादा है, तो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल लेके बताया 5 लाख 4 लाख का, तो उसमें आप लोगों ने कैलकुलेट करके दिखानी है। ये ऐसे था, अभी मैंने आप लोगों को बताना है कि ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं। तो आपने ये ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए बेटे, फॉर ओपनिंग कैपिटल इज इक्वल टू,
आपको गिवन होगी क्लोजिंग कैपिटल, क्योंकि बगैर क्लोजिंग कैपिटल के आपको कर नहीं सकते। इसमें प्लस ड्रॉइंग करेंगे, जो कि मैं प्लस वन में आपको करवा चुकी हूँ। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्रॉइंग माइनस एडिशनल कैपिटल और माइनस प्रॉफिट, तो इससे आपकी ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। हमेशा आप लोगों ने ओपनिंग कैपिटल पर ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाना है। सपोज करो 5 लाख आप लोगों ने इंट्रोड्यूस की अप्रैल के मंथ में, ठीक है, 1 अप्रैल को इंट्रोड्यूस की, और आपने 1 जून को 1 लाख रुपए और इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, ठीक है, और 1 दिसंबर को आपने 50,000 को विड्रॉन यानी कि ड्रॉइंग कर लिया, विड्रॉन कर दिया, विड्रॉन और ड्रॉइंग, वैसे विड्रॉन लिखते हैं, ड्रॉइंग तो कम लिखते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने क्या करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे इसकी, 5 और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है। तो 5 लाख आपने कैपिटल कब तक यूज की, जून तक, यानी कि अप्रैल मई 2 महीने इसको यूज किया, 2/12 इंटू 6/100, फिर आपने इंट्रोड्यूस कर दी जून से, तो आपकी हो गई कैपिटल 6 लाख। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर लगाना नहीं है, यानी कि आगे 6 मंथ फिर यूज किया आप लोगों ने 6 लाख को, जून से लेके दिसंबर तक आपके हो गए 6/12 इंटू 6%। फिर उसके बाद आप लोगों ने 50,000 विड्रॉन कर लिए, तो आपकी कैपिटल कितनी हो गई, 5,50,000। कितने यूज हुई आपकी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 4 महीने ये हो गई आपकी। तो ये देखो एक और चीज कि देखो 2 और 6 8 और 4 12 पूरे साल का ब्यौरा बन गया, और ये जो आप कैलकुलेट करेंगे दैट इज योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैसे होगा, देखो पहले आपकी आ गई 5,000 की इंटरेस्ट, ठीक है, उसके बाद देखो 2nd आ गई आपकी 18,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तीसरी देखो 11,000, तो टोटल कितनी हुई 34,000, यानी कि आपकी जो कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है पूरी विड्रॉन और उसमें, तो वो है ₹34,000। आई होप यू अंडरस्टैंड इन अ बेटर वे बेटे। अगर कोई शिकायत है या कोई आपको क्वेश्चन अराइज करता है तो आप उसको कमेंट में लिखिए, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो बिकॉज शेयर इज केयरिंग, और सब्सक्राइब द चैनल।